पाटीदार नामक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि उसके पुत्र हिम्मत पाटीदार का किसी अज्ञात व्यक्तियों ने मर्डर करके उसकी लाश उसके खेत में पड़ी हुई है। इसमें पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने प्रारंभिक चीज़ें जब्त की उसके पास से और फिर उसके बाद विवेचना स्टार्ट की, तो शुरू में ये तथ्य आया था कि गाँव का ही एक मदन मालवीय व्यक्ति है जो कि रात से गायब है। तो सारी चीज़ें उस पर कंसनट्रेट थी कि संदेह ही मदन मालवीय होगा। लेकिन विवेचना के दौरान जो चीज़ें जब्त हुई थी मृतक की बॉडी से, जैसे मोबाइल फ़ोन, एटीएम कार्ड था, उसमें आधार कार्ड था, डायरी मिली थी, पॉकेट डायरी आदि चीज़ों का जब अवलोकन किया गया, उसमें कई सारे संदेहजनक चीज़ें निकल कर सामने आई थी और पुलिस को भी शंका हुई। फिर इसके बाद हम लोगों ने जो मृतक का बॉडी था उसका डीएनए परीक्षण कराया, क्योंकि इसमें जो मृतक था उसकी मृत्यु के बाद उसके चेहरे को जला दिया गया था ताकि उसकी सिनाजगी न हो सके। तो डीएनए परीक्षण में आज रिपोर्ट प्राप्त हुई हम लोगों को, जिससे इस बात का खुलासा हुआ है कि मृतक हिम्मत पाटीदार न होकर गांव का ही मदन मालवीय है, जो लगभग आज से 2 वर्ष पूर्व तक हिम्मत पाटीदार के खेत पर मजदूरी करता था। और इसमें जो डायरी जब्त हुई है उससे इस बात का खुलासा हुआ है कि हिम्मत पाटीदार ने अभी 17 दिसंबर 2018 को ही 20 लाख रुपये का अपना इंश्योरेंस कराया था, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था, प्लस उसके अलावा उसके ऊपर लगभग 10 लाख रुपये का उधारी है जो विभिन्न लोगों को देना है। इससे बचने के लिए उसने ये पूरा षडयंत्र रचा और उसमें अपने ही कदकाठी और उम्र का मदन मालवीय जो कि खेत पर काम करता था उसको खेत से ले गया और घटना स्थल पर पहुंचकर धारदार हथियार से उसका गला काटा, काटने का प्रयास किया लेकिन गला कट नहीं कर पाया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके फेस को जला दिया। तो इसमें अभी हिम्मत पाटीदार जो कि अब इस हत्या का आरोपी है उसकी तलाश पुलिस कर रही है और जल्दी उसको गिरफ्तार करेंगे हम लोग। मामला काफ़ी गंभीर था इसलिए इसको सनसनीखेज चिन्हित प्रकरण में रखा गया है और हिम्मत पाटीदार की गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है।